नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं चक्रं चतुष्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्रितं श्रीशङ्कराचार्यं महाप्रदज्ञं पादं प्रवक्तारमर्कं शिष्यं सन्तोषकं वासिकारुण्यानर्थं सन्तर्मातोऽस्मि श्रुते श्रुते प्राणानामालयं कर्मालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं भवति शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सुप्रभाचकिरौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुं के नवे अध्याय का दूसरा श्लोक राज विद्या राजगोह्यम पवित्र वेदमुत्तम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्यय। इस श्लोक के आधार पर पिछले 8 दिनों से आप प्रवचन सुनते चले आ रहे हैं। आज इस प्रवचन श्रृंखला का 9वां दिन है। कल 10वां दिन और अंतिम दिवस है। आज का जो विषय है वो शक्तिपात के विषय की व्याख्या योग दर्शन के आधार पर, ऐसा इस प्रवचन श्रृंखला के आयोजकों ने पेपरों के अंदर घोषित किया है। आज का विषय थोड़ा गंभीर विषय होगा। आज का विषय आराम से तत्चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के और समझने और सुनने का होगा, क्योंकि विषय एक तो गंभीर है और उसके पश्चात फिर योग के आधार पर इसकी व्याख्या करने का जो एक दायित्व मेरे ऊपर डाला गया है उसने इस विषय को और भी अधिक दुरूह बना दिया है। वैसे योग के आधार पर शक्तिपात की व्याख्या हम एक पुस्तक के अंदर पहले ही कर चुके हैं, कुंडलिनी सिद्ध महायोग, जो हमने शक्तिपात पथ प्रदर्शिका भाग 2 के अंतर्गत लिखी है। उसके अंदर शक्तिपात के विषय को योग के आधार पर ही समझाया गया है, किंतु आज हम बिल्कुल योग दर्शन के आधार पर ही शक्तिपात के विषय की व्याख्या कर रहे हैं। सर्वप्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि योग क्या है, क्योंकि यही से योग का विषय आरंभ होगा। योग दर्शन के अनुसार योग की जो परिभाषा योग दर्शन में दी गई है वो है योगश्चित्त वृत्ति विरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का नाम निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, इसका नाम योग है। इसको पहले तो इस सूत्र को समझ लिया जाए थोड़ा सा, योगश्चित्त वृत्ति विरोधः, इसका अर्थ क्या है। हमारे चित्त के अंदर संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के कारण हमारे चित्त के अंदर वासना बनती है और वासना के अनुरूप हमारे चित्त के अंदर वृत्तियां उदय होती हैं। हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, जो भी हम अच्छे अथवा बुरे कर्म करते हैं, उन अच्छे या बुरे कर्मों की याद हमारे चित्त के अंदर अंकित हो जाती है, जिसको कि संस्कार संचय कहा जाता है। उन संचित संस्कारों के अनुरूप ही हमारे चित्त के अंदर वासना उदय होती है, अर्थात हमारा चित्त किसी एक ओर झुक जाता है। जब इस प्रकार के हमारे चित्त की अवस्था आती है तो हमारा चित्त किसी वासना विशेष से युक्त होकर के तरंगित होने लगता है। चित्त के इस तरंगित होने को ही
वृत्ति कहा गया है, और वृत्ति होने के पश्चात वृत्ति के अनुरूप ही हमारे चित्त के अंदर संकल्प अथवा विकल्पात्मक मन उदय हो जाता है। अब योग दर्शन के अंदर मन को काबू करने का विषय नहीं है, मन का कोई वहां पर उल्लेख ही नहीं आया, क्योंकि योग दर्शन जो है वो तो एक विज्ञान है और विज्ञान के आधार पर ही वो चलता है। तो योग दर्शन के अंदर कहा गया है कि वृत्तियों का निरोध योग है, मन को वहां पर बिल्कुल एक तरफ हटा दिया गया है। उसका कारण यह है कि हमारे चित्त के अंदर जो संकल्प अथवा विकल्पात्मक मन उदय होता है उसके पृष्ठभूमि में वृत्ति होती है, जिस प्रकार की वृत्ति उदय होती है उसके अनुरूप ही संकल्प विकल्पात्मक मन उदय होता है। यदि हमारे चित्त के अंदर वृत्ति निरोध हो जाए, अर्थात हमारे चित्त के अंदर किसी प्रकार की शुभ अथवा अशुभ वृत्ति उदय ही नहीं हो, तब स्वतः ही हमारा मन का निरोध हो जाएगा। तो यहां पर योग दर्शन के अंदर मन का कहीं उल्लेख नहीं है, वृत्तियों का उल्लेख है। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि यदि हमने वृत्ति निरोध करना है तो हमारे चित्त के अंदर के संस्कार जब तक क्षीण नहीं हो जाते तब तक हमारा वृत्ति निरोध नहीं होता है। तो वृत्ति निरोध करने के लिए संस्कारों का निरोध करना आवश्यक है, इसलिए संस्कारों का क्षीण करने का विषय वृत्ति निरोध के विषय के अंतर्गत स्वतः ही आ जाता है। अर्थात वृत्ति निरोध, एक तरफ तो हम अपने चित्त के अंदर के संस्कारों को क्षीण करें, जब तक चित्त के अंदर के संस्कारों को क्षीण नहीं करेंगे तब तक वृत्ति निरोध नहीं होगा। अर्थात वृत्ति निरोध के अंदर संस्कारों का क्षय स्वभावतः ही आता है, और दूसरी ओर हमारे चित्त के अंदर जब वृत्तियां बंद हो जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं, तो अब स्वतः ही हमारे चित्त के अंदर वृत्तियों के अनुरूप जो संकल्प विकल्पात्मक फल उदय होता है उसका भी स्वतः ही निरोध हो जाता है। इसलिए योग दर्शन के अंदर उन्होंने वृत्ति को पकड़ा है और वृत्ति को विरोध करने का उन्होंने संकेत दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है, क्योंकि आप इस बात को समझो कि एक सरोवर है, एक तालाब है, तालाब के अंदर गदलापन है और उसके अंदर वायु के कारण अथवा किसी अन्य विशेष कारण के कारण उसके ऊपर छोटी छोटी लहरियां उदय होती रहती हैं। उसके ऊपर छोटी छोटी लहरियां तरंगों के कारण और उसके अंदर गदलापन होने के कारण उसकी तली हमें दिखाई नहीं देती। यदि हम उस जल के अंदर उदय होने वाली तरंगों को और उसके अंदर विद्यमान गदलापन को हम दूर कर देते हैं, जल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई तरंग नहीं उठती, तब उस तालाब अथवा सरोवर की तली हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। हमने हिमालय के अंदर जाकर के देखा, पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर ऐसे झरने, ऐसे नदियां हमने देखी जिनके अंदर के बिल्कुल गदलापन नहीं था और उनके जल के अंदर कंकर पत्थर जो कुछ भी नीचे रखा हुआ बिल्कुल ऐसा दिखाई देता था जैसा कि इसके अंदर कोई जल है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल उसकी तली स्पष्ट दिखाई देती। तो यदि हम अपने चित्त के अंदर इस चंचलता अर्थात चित्त की विक्षिप्त अवस्था, चित्त का प्रसन्न होना, चित्त के अंदर का क्रोध अर्थात चित्त की जो चंचलता है उसको समाप्त कर दें और इसके अंदर का गदलापन अर्थात संस्कारों को क्षीण कर दें, तब हमारे चित्त के अंदर का जो छुपा हुआ आत्म तत्व है वो हमारी दृष्टि में आ जाएगा। योग दर्शन जिसको इस प्रकार से कहता है कि जब आपका वृत्ति निरोध हो जाता है तब साधक की अवस्था अपनी आत्मा के अंदर स्थित हो जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, अर्थात तब साधक की स्थिति आत्मा के अंदर स्थापित हो जाती है, अपने दृष्टा के अंदर स्थापित हो जाती है। तो ये एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, अर्थात चित्त के अंदर यदि वृत्तियां हैं तो आत्मा दिखाई नहीं देगा, आत्मा अनुभव में नहीं आएगा,
और यदि हमारे चित्त के अंदर वृत्तियों का विरोध हो जाता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है, हमारे चित्त के अंदर न तो संकल्प विकल्पात्मक मन रहता है, ना विचारात्मक बुद्धि रहती है, और ना ही हमारे चित्त के अंदर अहम भाव रहता है, और ना ही हमारे चित्त के अंदर किसी प्रकार का गदलापन अर्थात संस्कार शेष रहते हैं। परिणामतः हमारा चित्त पूर्णतया निरुद्ध हो जाता है और हमारी स्थिति आत्मा अथवा दृष्टा के अंदर स्थापित हो जाती है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतर, अर्थात इससे इतर समय में, दूसरे समय में जब चित्त के अंदर वृत्तियां उदय होती हैं, उस समय वो वृत्ति के रूप के अनुरूप भासित होता है। जिस प्रकार की चित्त के अंदर वृत्ति होती है, उसी प्रकार का हमको अपना आत्म तत्व भी दिखाई देता है। यदि चित्त के अंदर क्रोध की वृत्ति है तो हम क्रोधी हो जाते हैं, यदि लोभ की वृत्ति है तो हम लोभी हो जाते हैं। इसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जितनी भी हमारे चित्त के अंदर विभिन्न प्रकार की वृत्तियां उदय होने वाली हैं, उनके अनुरूप ही हमको अपना आत्म तत्व आभासित होता है। किंतु यदि हम इस प्रकार से माने कि वृत्तियों के साथ ही आत्मा के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है, तब हमारा आत्मा परिणामी हो जाता है, हमारा आत्मा परिवर्तनशील हो जाता है। किंतु हमारा आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, वो तो केवल चित्त की वृत्ति के अनुरूप भासित होता है, वो हो नहीं जाता, उसे परिवर्तन नहीं होता, केवल चित्त की वृत्ति के रूप के अनुरूप भासित होता है। तो इसका जो उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों के अंदर, वो ऐसा दिया जाता है कि जिस प्रकार से एक स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के आप पास कोई रक्त पुष्प, पीला पुष्प, नीला पुष्प, कोई सफेद पुष्प, जिस भी प्रकार का पुष्प आप स्फटिक मणि के पास रखेंगे, उसी के रूप का उसका प्रतिबिंब स्फटिक मणि के ऊपर पड़ेगा और स्फटिक मणि उस पुष्प के रंग के अनुरूप आपको भासित हो। किंतु स्फटिक मणि के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो बिना रंग के बिना रूप के जिस प्रकार से प्रथम थी उसी प्रकार से ही रहती है, केवल वो उस किसी विशेष रंग के पुष्प के तादात्म अथवा संयोग में आने पर जब उसका प्रतिबिंब स्फटिक मणि के ऊपर पड़ता है, तब उस पुष्प के रंग के अनुरूप उसका रंग हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार से चित्त के अंदर भी जिस प्रकार की वृत्ति होती है, जिस प्रकार की चित्त के अंदर मैल होती है, जिस प्रकार का संकल्प विकल्प करता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ अभिमान इत्यादि जिस भी प्रकार की चित्त के अंदर वृत्ति होती है, उस वृत्ति के रूप के अनुरूप ही हमको आत्मा भासित होता है। केवल ऐसा प्रतीत होता है, किंतु आत्मा वैसा हो नहीं जाता, आत्मा परिवर्तित नहीं होता, आत्मा जैसा है वैसा ही वैसा ही रहता है। किंतु आत्मा कैसा है, इसकी अनुभूति कब होती है हमको? जब हमारे चित्त के अंदर किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं रहती। इसलिए हमें अपने चित्त के अंदर वृत्तियों को निरुद्ध करने के लिए, अपने मन को, बुद्धि को, इत्यादि को सबको निरुद्ध करके अपने चित्त को क्रिया रहित बना देना, ये हमारी साधना का लक्ष्य है और यही योग दर्शन का विषय है। अब कई प्रकार से लोग इसके ऊपर कई आक्षेप भी करते हैं, कई प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जो कि योग दर्शन के विरुद्ध भी चर्चा करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि हम तो वेदांति हैं, हमारे अंदर तो अखंड वृत्ति का विषय है। अखंड वृत्ति और वृत्ति विरोध, ये दो प्रश्न हैं। अखंड वृत्ति का अर्थ ये है कि इस जगत के अंदर चलते फिरते व्यवहार करते हुए आपकी वृत्ति अखंड बनी रहे, अर्थात आपकी आपकी वृत्ति सदैव ब्रह्म के ऊपर टिकी रहे। इस जगत के अंदर व्यवहार करते हुए, इस जगत को देखते हुए, विषयों के अंदर रमण करते हुए, कार्य करते हुए, हमारी जो चित्त की वृत्ति है वो अखंड रूप में ब्रह्म के ऊपर स्थापित रहे। हमारी चित्त के अंदर, चित्त वृत्ति के ऊपर इस जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये वेदांत की अखंड वृत्ति है और इसी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। जबकि योग के अंदर अखंड वृत्ति लक्ष्य नहीं है। योग तो कहता है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। यहाँ पर अखंड वृत्ति और वृत्ति का विरोध कर देना, ये दो भिन्न विषय हैं।
हमारा ऐसा कहना है, हम भी वेदांती हैं, हम भी शंकराचार्य के अनुयायी हैं, हम भी अद्वैतवाद में आस्था रखते हैं, किंतु हमारा ऐसा कहना है कि यदि आपको वेदांत की उस अवस्था को प्राप्त करना है, तब आपको योग के आधार पर चलते हुए और अपने समक्ष वेदांत की स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रख करके फिर आपको योग का अभ्यास करना है। यदि आप योग को साथ में से हटा देते हैं, तब आप वेदांत की स्थिति को प्राप्त करने में आपको कठिनाई होगी, और यदि आप योग वेदांत की स्थिति को अपने लक्ष्य के सामने से हटा देते हैं और केवल योग को ही लेकर के चलते हैं, तो भी आप अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ना तो योग को ही छोड़ा जा सकता है और ना वेदांत को ही छोड़ा जा सकता है। इन दोनों को इकट्ठा लेकर के जब हम विचार करते हैं, तो योग साधन पक्ष है और वेदांत सिद्धांत पक्ष है। इस प्रकार से योग और वेदांत को लेकर के दोनों को इकट्ठा करके, दोनों में समन्वय करके चलना पड़ता है। तो जब तक हमारा चित्त निरुद्ध नहीं हो जाता और हमको आत्मा का आनंद की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक हमको उस आनंद का ज्ञान नहीं होता है। और जब एक बार हमारा चित्त निरुद्ध होता है, बार बार हमारा चित्त निरुद्ध होता है, बार बार हम समाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं और फिर लौट करके वापिस आते हैं, फिर हमारा चित्त कार्यशील हो जाता है, फिर हम समाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं, फिर हमारा चित्त लौट करके और पुनः कार्यशील हो जाता है। इस तरह से बार बार समाधि की अवस्था में प्रवेश करने के उपरांत जब हम लौट करके पुनः चित्त के साथ संयोग में आते हैं, चित्त को कार्यशील बनाते हैं, तब हमारे चित्त की एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारी वृत्ति अखंड बनी रहती है, अर्थात हमें वेदांत की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो वेदांत की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें योग को साथ लेकर के चलना पड़ता है। अब कई लोग इस प्रकार से भी शंका करते हैं कि योग के अंदर कुंडलिनी का तो कहीं उल्लेख आया ही नहीं, योग का विषय कुंडलिनी के ऊपर आधारित है, कुंडलिनी की जागृति का विषय योग के अंदर है, जबकि योग दर्शन के अंदर कुंडलिनी का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए योग दर्शन की जो साधना है वो अलग प्रकार की साधना है, और हठ योग की साधना जो कि कुंडलिनी जागृति की साधना है वो अलग प्रकार की साधना है, क्योंकि योग के अंदर कुंडलिनी का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, योग कुंडलिनी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार ये बताया कि एक ऐसी शक्ति है जो कि जीव के अंदर कार्य करती है, जो शक्ति के जीव की शक्ति नहीं है, वो शक्ति ईश्वर की शक्ति है। उस ईश्वर की शक्ति को जो कि जीव के अंदर कार्यरत है, उसके कई नाम हैं, उसके नामांतर भेद से कई जगह, कई पर, कई स्थानों पर, कई शास्त्रों के अंदर, कई संप्रदायों के अंदर, कई मार्गों के अंदर उसका उल्लेख मिलता है। कहीं पर तो उसको कुंडलिनी कहा गया है, कुंडलिनी वास्तव में मूल रूप के अंदर तंत्र का शब्द है, तंत्र के अंदर कुंडलिनी का उल्लेख आता है, और तंत्र से फिर कुंडलिनी का शब्द हठ योग के अंदर आ गया है। किंतु तंत्र के अंदर इसको सदैव कुंडलिनी नहीं कहा जाता, कहीं पर तो इसको महामाया, कहीं पर इसको जगदम्बा, कहीं पर इसको भुजंगी, ऐसे कई नाम तंत्र के अंदर आते हैं। और इसी प्रकार से जब ये शब्द हठयोग के अंदर आ गया, तो इसका व्यापक रूप से हठयोग के अंदर प्रचार किया गया, इसका उपयोग किया गया। किंतु भक्ति मार्ग के अंदर वही शक्ति जो कि आपके चित्त के अंदर कार्य करती है, आपके शरीर के अंदर कार्य करती है, आपके शरीर के अंदर कार्य करते हुए आपको अपने से अभिन्न उसकी प्रतीति नहीं होती, जब आपकी शक्ति आपके अंदर आपको अपने से भिन्न प्रतीत होती है, तो वही उसी शक्ति की जागृति कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग के अंदर वो जब शक्ति जागृत होती है, तो उसी शक्ति को आह्लादनी शक्ति कहा जाता है। अब यहां पर आकर के नाम का अंतर आ गया, जिस शक्ति को हठ योग वाले कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, तंत्र वाले कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वही शक्ति भक्ति मार्ग के अंदर आकर के आह्लादनी शक्ति हो जाती है। और वही शक्ति जब कर्म कांड के अंदर आती है,
तो इसका नाम गणेश जी हो जाता है। अर्थात गणेश जी जो है वो रिद्धि और सिद्धि दोनों के देने वाले हैं। अर्थात जब वो शक्ति बाहर जगदाभिमुखी कार्यरत होती है तो जगत के अंदर आपको भोग देती है, जगत के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है, अर्थात उसका विषय जगत हो जाता है। इसको कहा जाता है कि गणेश जी जो है वो रिद्धि के देने वाले हैं। किंतु जब वही शक्ति वो अंतर्मुखी जागृत हो जाती है और चित्त के अंदर संचित संस्कारों को क्षीण करना आरंभ कर देती है, तब उसी गणेश जी को सिद्धि के देने वाले कहा जाता है। अर्थात कर्म कांड के अंदर उसी शक्ति को गणेश जी कहा जाता है। भक्ति मार्ग के कई ऐसे संप्रदाय हैं जहां पर उस शक्ति को राधा कहा जाता है। अर्थात यदि आप उस भगवान को, परमात्मा को कृष्ण रूप में उपासना करते हैं, तब उस कृष्ण की जो शक्ति है उसको राधा कहा जाता है। और यदि आप राम के रूप में उसकी उसकी उपासना करते हैं, तब उसकी शक्ति को सीता कहा जाता है। यदि आप शैव हैं, शंकर के रूप में भगवान की उपासना करते हैं, तो उसी शक्ति को गौरी कहा जाता है। मेरा कहने का भाव यह है कि यदि आप उस शक्ति को विभिन्न रूपों के अंदर, विभिन्न संप्रदायों के अंदर लेते हैं, तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। मंत्र मार्ग के अंदर जहां पर कि किसी मंत्र को लेकर के उसका बार बार उसका जप करने का विधान होता है, वहां पर उस मंत्र जागृति, उस शक्ति जागृति की अवस्था को मंत्र चैतन्य कहा जाता है। अर्थात कहीं कुंडलनी, कहीं आह्लादनी, कहीं राधा, कहीं सीता, कहीं गौरी, कहीं गायत्री, कहीं मंत्र चैतन्य इत्यादि विभिन्न प्रकार के नाम उसी एक ही शक्ति के आते हैं। योग दर्शन के अंदर इसको एक अलग नाम से कहा गया है। वही शक्ति जो कि आपके अंदर कार्य कर रही है, वही शक्ति, वो शक्ति जब तक आपकी इंद्रियों के साथ संयुक्त रहती है और आपकी इंद्रियों के आधार पर कार्य करती हुई बहिर जगता भी मुखी रहती है, तब तक उस शक्ति को चेतना कहा जाता है। गीता के अंदर कहा गया है, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना स्थिति एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकारम उदाहृतम है। अर्थात इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, पंच महाभूतों का संघात रूपी ये शरीर और चेतना, ये सब जगत का अंग है। अर्थात ये जो सब है, जो कुछ है, ये सब चेतना है और ये सब जितने भी शरीर के अंग हैं और जितना भी जो कुछ भी है, ये सब जगत का ही अंग है। किंतु जब वो शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है, अंतर्मुखी प्रवाहित होने लगती है, आपको अपनी इंद्रियों के आधार पर उसकी सत्ता अपने से भिन्न अनुभव में आ जाती है, तब फिर वो शक्ति चेतना से प्रत्येक चेतना हो जाती है और उसी प्रत्येक चेतना अवस्था को कुंडलनी शक्ति की जागृति कहा जाता है। ये मेरा आपको समझाने का तात्पर्य यही है कि यदि आप अपने हृदय को विशाल बना करके, उदार बना करके विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को देखें, उनको समझने का प्रयत्न करें, उनके अंदर गहरे उतरने का प्रयत्न करें, तो आपको ऐसा समझने में, ऐसा आपको पता लगने में, समझने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ये जितने भी शास्त्र हैं वो उसी एक ओर ही संकेत कर रहे हैं कि आपकी शक्ति अंतर्मुखी किसी प्रकार से जागृत होनी चाहिए। चाहे वो योग दर्शन हो, अथवा गीता हो, अथवा वो बाइबल हो, अथवा गुरु ग्रंथ साहब हो, या उपनिषद हो, या जैन ग्रंथ हो, अथवा कोई भी शास्त्र हो, वो आपकी साधना को एक ऐसी अवस्था के अंदर लाना चाहता है जिस अवस्था के अंदर जाकर के कि वो साधना स्वयमेव अपने आप घटित होने लग जाए। योग दर्शन इसी कुंडलनी शक्ति की जागृति का ही ग्रंथ है और उस कुंडलनी शक्ति की जागृति का जो नाम है वो इन्होंने शक्ति का अर्थात चेतना का प्रत्येक चेतना हो जाना कहा है। योग दर्शन के अंदर सूत्र आता है, प्रत्येक चेतना निगम अंतराया अभावश्च। इससे पहले योग दर्शन के अंदर यह कहा गया है, पहले तो उन्होंने ईश्वर से संबंधित सूत्र कहे हैं कि वो ईश्वर क्या है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा मृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः
स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान् अवच्छेदात् तत्र निरतिशयं सर्वगत्व बीजम्। ये तीन सूत्र उन्होंने ईश्वर के बारे में कहा और उसके पश्चात उन्होंने कहा है तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस ईश्वर का जो नाम होता है वो प्रणव होता है। अब जिस सूत्र का दो प्रकार से अर्थ किया जाता है, एक को प्रणव का अर्थ आप जानते ही हैं ओंकार, ओम का जप करना, ओम को प्रणव माना जाता है। प्रणव का अर्थ यह है कि जो हमारे प्राणों को हमारी आत्मा के अंदर नमन करवा दे, जो हमारी हमारे प्राणों को, हमारी प्राण शक्ति को, चैतन्य को हमारी आत्मा के अंदर नमन करवा दे, अर्थात हमारी चैतन्य शक्ति को आत्मा के अंदर विलीन करवाने में सहायक हो, उसको प्रणव कहा जाता है। तो ये जितने भी प्रकार के मंत्र हैं, राम कृष्ण गोविंद हरि ओम इत्यादि, ये सभी यदि इस बात के लिए सहायक होते हैं कि आपके प्राणों को आपकी आत्मा के अंदर नमन करवाने में सहायक, तो ये सभी प्रणव हो जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि एक तो प्रणव का अर्थ लिया जाता है ओंकार के रूप में, और एक प्रणव का अर्थ लिया जाता है कि जितने भी नाम हैं राम कृष्ण गोविंद हरि इत्यादि, वो सभी के सभी यदि आपकी शक्ति को आपकी आत्मा में विलीन करने में सहायक होते हैं तो वो सभी प्रणव हो जाते हैं। तो योग दर्शन कहता है तस्य वाचकः प्रणवः, और उसके पश्चात कहते हैं तज्जपः तदर्थ भावनम्, अर्थात उस प्रणव मंत्र का, अर्थात उस चेतन मंत्र का, क्योंकि जो मंत्र अचेतन है उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी प्राण शक्ति को आपके आत्मा में विलीन करवाने में आपका सहायता कर सके, इसलिए शक्ति का मंत्र का प्रथम तो चेतन होना आवश्यक है। यदि आप अचेतन मंत्र का जप करते हैं, शक्ति रहित मंत्र का जप करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको अनुष्ठान इत्यादि करके और अपने मंत्र को अचेतन से चेतन करना पड़ेगा, और फिर उस चेतन मंत्र का जब आप जप करेंगे तो धीरे धीरे करके वो चेतन मंत्र मंत्र चैतन्य की अवस्था में आ जाएगा, अर्थात आपकी चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो जाएगी, आपकी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाएगी, आपके चित्त के अंदर संचित संस्कारों के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने लग जाएगी। जब तक आपका मंत्र चैतन्य की स्थिति आपको नहीं आएगी तब तक तो आपको अपनी ओर से कुछ करना पड़ेगा, किंतु जब आपका मंत्र चैतन्य हो जाएगा अथवा आपकी चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो जाएगी और उस अवस्था के पश्चात आपकी साधना स्वयमेव अपने आप चलने लगेगी, आपको अपनी ओर से कुछ करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब मेरा समझाने का अर्थ यह है कि अपने अंतर में आंतरिक शक्ति की जागृति के लिए जहाँ विभिन्न प्रकार की साधनाओं का उल्लेख किया गया है, वहाँ पर योग दर्शन के अंदर अपनी शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करने के लिए जिस साधन का उल्लेख है वो है नाम जप, अपने अंतर में प्रणव का जप। कौन सा प्रणव? जो कि मंत्र चेतन मंत्र हो, क्योंकि मंत्र का चेतन होना आवश्यक है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो जब आप चेतन मंत्र का जप करते हैं, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये पैदा होता है कि जब हम मंत्र करते हैं तो किसी न किसी आधार के ऊपर ही हमारा जप चलता है। जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो हमारे मंत्र में चार आधार, उनमें से कोई एक आधार के ऊपर हम अपने मंत्र का जप करते हैं। ये जो चार आधार हमारे अंतर में हैं वो प्रथम तो है मन, बुद्धि, हृदय और प्राण। मन, बुद्धि, हृदय और प्राण, यदि हम अपने मन के आधार पर अर्थात किसी एक ध्येय पदार्थ के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं और साथ साथ हम मंत्र जप करते हैं, जैसे कि हमारा मंत्र है ओम नमः शिवाय, अब ओम नमः शिवाय इस मंत्र का हम जप करते हैं, इस मंत्र के साथ साथ इस मंत्र के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे चित्त के अंदर कोई भावना होती है और उस भावना के साथ साथ हम भगवान शंकर का ध्यान करते हैं ओम नमः शिवाय, तब जाकर के हमारा मंत्र हमारे मन के आधार पर होता है। जब हमारा मन भगवान शंकर की आकृति के अंदर टिका रहता है हमारे, और साथ ही साथ हमारे अंदर चलने वाले जप के ऊपर ओम नमः शिवाय के ऊपर भी टिका रहता है, इसको कहा जाता है ध्यान योग।
जब हम अपने मन के आधार पर मंत्र का जप करते हैं तब उसको कहा जाता है ध्यान योग, और जब हम अपने अंतर में बुद्धि के आधार पर मंत्र का जप करते हैं तब हो जाता है ज्ञान योग, और जब हम अपने अंतर में किसी मंत्र का जप हृदय के आधार पर करते हैं तब हो जाता है भक्ति योग, और जब हम प्राण शक्ति के आधार पर अपने प्राणों के आधार पर मंत्र का जप करते हैं तब हो जाता है कुंडलिनी योग। इस प्रकार से ये चारों योग एक ही जप के करने पर विभिन्न प्रकार के उसके आधार होने के कारण इन चार प्रकार के ये साधनाएं अलग अलग हो जाती हैं, और इन चारों प्रकार की साधनाओं का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ, और इन चारों प्रकार की साधनाओं का एक ही अर्थ है, एक ही भाव है कि किसी प्रकार से हमारी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाए। यदि भक्ति मार्ग पर चलते चलते हमारी शक्ति अंतर्मुखी जागृत होती है तो हम कहते हैं कि आलादी शक्ति की जागृति हो गई। यदि हम ध्यान मार्ग के ऊपर चलते 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 हैं तो हम कहते हैं कि हमारे चित्त के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। यदि हमारे चित्त के अंदर हम ज्ञान मार्ग के ऊपर चलते चलते हमारी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे अंतर में प्रज्ञान जागृत हो गया, और यदि हमारे चित्त के हमारे अंतर में प्राण के आधार पर हमारी शक्ति की अंतर्मुखी जागृत होती है तब भी हम उसको कुंडलिनी कहते हैं। तो ये मेरा समझाने का भाव आप लोगों को इतना ही है कि किसी प्रकार से वो शक्ति की जागृति होना चाहिए। तो जब हम अपने अंतर में प्राण के आधार पर जप करते हैं तो धीरे धीरे करके एक एक करके लुप्त होता चला जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का हमने जप किया तो इसमें सबसे पहले स्थूल क्या है, मंत्र सबसे पहले स्थूल है, वो गिर जाएगा। उसके बाद स्थूल क्या है, मंत्र का अर्थ वो गिर जाएगा। उसके पश्चात क्या है, हमारी भावना, वो भावना गिर जाएगी। और उसके पश्चात उस मंत्र के प्रतिपादित देवता के ऊपर जो हमारा लक्ष्य स्थिर है वो भी गिर जाएगा और हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। मेरा कहने का भाव यहाँ पर यह है कि प्रत्येक चेतना निगम अर्थात मंत्र जप करते करते तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम, उस मंत्र का अर्थ तज्जपः तदर्थ भावनम, उस मंत्र का अर्थ जप सहित और भावना सहित और ध्यान सहित करते करते प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अर्थात चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो जाती है, आपकी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है, आपके अंदर क्रियाशीलता हो जाती है। अब आपके समक्ष एक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये तो आपने शक्ति की जागृति हमको बतलाई है जब हम किसी विशेष प्रकार का मंत्र का जप करते रहते हैं, और मंत्र का जप करते करते हमारी आलादी शक्ति या हमारी कुंडलिनी शक्ति या हमारी चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो जाती है, लेकिन आपने ये हमको नहीं बताया कि शक्तिपात का विषय इसमें कहाँ आ गया। अर्थात हम साधना करते करते अपनी शक्ति को अंतर्मुखी जागृत तो कर सकते हैं, किंतु शक्तिपात के द्वारा हम अपनी चेतना को अंतर्मुखी कैसे कर सकते हैं ये आपने हमको नहीं बताया। तो इसके ऊपर योग दर्शन के अंदर दो सूत्र आते हैं। पहला सूत्र है वीतराग विषम वाचितम। इस सूत्र का अधिकतर प्रचार शक्तिपात के सर्कल के अंदर है। प्रायः जो महात्मा शक्तिपात की व्याख्या करते हैं और योग दर्शन के अंदर उसका आधार ढूंढते हैं वो इसी सूत्र को कोट करते हैं, वीतराग विषम वाचितम। अर्थात जिस गुरु का चित्त वीतराग हो गया है, वीतराग हो गया है का अर्थ यह है जिसके चित्त के अंदर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब क्षीण हो गए हैं, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, जिसके चित्त के अंदर किसी भी प्रकार का काम क्रोध इत्यादि शेष नहीं रहा है, वे वीतराग है जो विषयों से अलग हट गया है। क्योंकि जब हम साधना करते करते हमारी शक्ति अंतर्मुखी जागृत होती है और हम साधना करते करते अपने चित्त की निर्मल अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और हम अपने चित्त के अंदर तब देखते हैं तो हमको अपने चित्त के अंदर काम क्रोध विकार इत्यादि दिखाई नहीं देते, अपितु हमारे चित्त के अंदर शक्ति शुद्ध रूप के अंदर कार्य करती हुई हमको प्रतीत होती है। तो इसलिए योग दर्शन ऐसा कहता है कि ऐसा जो चित्त होता है जिस चित्त के अंदर की काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं होते, जो चित्त शुद्ध होता है उस चित्त का जब हम अवलंबन लेते हैं, सहारा लेते हैं, तब हमको हमारी शक्ति भी अंतर्मुखी जागृत होकर के क्रियाशीला हो जाती है। अब ये जो
सूत्र है नीतराग विषयम वाक्यतम, इसका अर्थ कई प्रकार से लोग करते हैं, अलग अलग कमेंट्रीज या टीकाओं के अंदर इसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। कोई इसका ऐसा अर्थ करता है कि महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो, जब महापुरुषों की आप जीवनियां पढ़ेंगे तो उनकी चित्त शक्ति के साथ आपकी चित्त शक्ति का तादात्म्य हो जाएगा और आपकी चित्त शक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई ऐसा कहते हैं कि महापुरुषों के चित्र अपने कमरे के अंदर, अपने मकान के अंदर सर्वत्र लगा करके रखो, इधर आते जाते घूमते फिरते आपका आपकी दृष्टि जब उन महापुरुषों की चित्रों के ऊपर पड़ेगी तो उनके जीवन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और उसके आधार के ऊपर आप भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकोगे। कोई ऐसा कहता है कि सत्संग के अंदर जाना चाहिए, महात्माओं के प्रवचन सुनना चाहिए और प्रवचन सुनते सुनते हमारा तादात्म्य उनके चित्त के साथ तादात्म्य हो जाएगा, हम उनके चित्त को पकड़ करके और हम भी ऊपर उठ जाएंगे। किंतु हमारा ऐसा कहना, हमारे गुरु महाराज इस सूत्र को इस प्रकार से समझाया करते थे, वीतराग विषम वा चित्तम, अर्थात जिसका चित्त वीतराग हो गया है उसके चित्त का अवलंबन लेने से, अर्थात उसके चित्त का सहारा लेने से, उसके चित्त को पकड़ करके और हम भी ऊपर चढ़ सकते हैं, हमारी भी चित्त शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि यदि वीतराग विषम वा चित्तम, जिसका चित्त वीतराग हो गया है वो जब तक अपने चित्त का सहारा आपको नहीं देगा, जब तक अपना हाथ आपको नहीं पकड़ाएगा या अपना आपका हाथ अपने हाथ में नहीं ले लेगा, तब तक आप उसके हाथ का सहारा कैसे लोगे। यदि आप ये चाहते हैं कि आप किसी हाथ का सहारा लेकर के चलो तो आपका हाथ और उसका हाथ एक दूसरे के संयोग में तादाद में पकड़ में आने चाहिए, तो जब तक महापुरुष अपने चित्त का सहारा नहीं देगा तब तक आप उसका सहारा लोगे कैसे। तो इसका अर्थ ये है कि जिस चित्त के अंदर काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं होते, जो शुद्ध होता है, जिसके अंदर झांकने पर हमको विकार इत्यादि दिखाई नहीं देते, अब तो हमारे चित्त के अंदर शुद्ध चैतन्य हमको अनुभव आता है और उस शुद्ध चित्त के अंदर जो भाव पैदा होता है, जो शिष्य के कल्याण का भाव गुरु के चित्त के अंदर पैदा होता है, वो विकार युक्त चित्त के अंदर, वासना युक्त चित्त के अंदर पैदा नहीं होता, वो किसी दबाव के अंदर आकर के कल्याण का भाव पैदा नहीं होता, वो तो भाव उसके शुद्ध चित्त के अंदर और शुद्ध चित्त के अंदर कार्य कर रही चैतन्य शक्ति के अंदर का भाव होता है। और जब इस प्रकार का भाव गुरु की चित्त शक्ति के अंदर पैदा होता है, जब गुरु की चित्त शक्ति आगे एक्सटेंड होना आरंभ हो जाती है, प्रसारित होने लग जाती है और शिष्य की चित्त शक्ति के तादाद में आती है, संयोग में आती है। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि वीतराग विषम वा चित्तम, अर्थात जिसका चित्त वीतराग हो गया है, यदि उस चित्त के अंदर आपके प्रति कल्याण का भाव पैदा होता है तो फिर वो चित्त शक्ति आगे एक्सटेंड होकर के आपके सहयोग में आती है। अब यदि आपकी चित्त शक्ति भी उस शक्ति के प्रसार को रिसीव करने के लिए उसके अंदर ग्राह्य शक्ति होनी चाहिए। शक्तिवाद का अर्थ यह है कि आपके ऊपर शक्तिपात होता है, शक्ति आपके चित्त के संयोग में जाना चाहती है किंतु आपका चित्त उस शक्ति को रिसीव नहीं करता, आपके चित्त के अंदर ग्राह्य शक्ति नहीं है। जैसे कि सूर्य प्रकाश देता है, सभी जगह प्रकाश देता है किंतु आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हो तो फिर प्रकाश तो आ रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, बाहर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है किंतु आपके कमरे के अंदर अंधेरा है, जो आपने दरवाजा खिड़कियां सब बंद किए हुए हैं और उसके अंदर जो थोड़ी बहुत दराज है जिसके अंदर से कोई किरण लाइट की आ भी सकती है, आपने पर्दे डाल दिए हैं आगे ताकि लाइट अंदर आ ही नहीं सके। इस प्रकार से यदि आपके अंदर उस शक्ति को रिसीव करने की ग्रहण शक्ति नहीं है, ग्राह्य शक्ति नहीं है, आपके चित्त के अंदर रिसेप्शन नहीं है, तो फिर आपके चित्त के अंदर वो शक्ति प्रविष्ट कैसे होगी। तो इसके लिए आपको तैयारी करना है, अपने चित्त को तैयार करना है, अपने आप को पूजा पाठ पठन पाठन इत्यादि से अपने चित्त को इस अवस्था के अंदर लाना है कि जब आपकी चित्त, जब आपके गुरु की चित्त शक्ति आगे एक्सटेंड होकर के आपके चित्त शक्ति के तादाद में आए
तो आपकी चित्त शक्ति भी उस चित्त शक्ति को रिसीव कर ले और उसको ग्रहण करने के पश्चात जब आपके चित्त में ग्राही शक्ति होगी तब वो शक्ति उस शक्ति को ग्रहण करेगी और आपकी चित्त शक्ति भी अंतर्मुखी जागृत हो जाएगी। वीतराग विषम वा चित्तम, अर्थात जिनका चित्त वीतराग हो गया है उनके चित्त का अवलंबन लेने से आपकी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है। अब मैं एक दूसरा सूत्र आपके समक्ष रखता हूं जो कि योग दर्शन का है और योग दर्शन के अंदर ही इस सूत्र का भी बड़ा महत्व है और मैं तो प्रायः ये जो दूसरा सूत्र मैं अभी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं मैं तो इसी सूत्र का प्रयोग अधिक करता हूं और वो है बंध कार विषय शिल्यात प्रचार कम वेदना चित्त से पर शरीरा देशा। बंध कारण शैथिल्यात अर्थात जिस चित्त के अंदर बंधन के कारण शिथिल हो गए। हमारे चित्त के अंदर बंधन के कारण क्या है? हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार संचित हैं, हमारे चित्त के अंदर जो वासना और विकार है वो हमारे बंधन का कारण है। हम जगत के अंदर जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहते हैं वो किया जाता है, यही हमारा बंधन है। जैसे कि हमारे संस्कार हमको बांध करके कर्म करवाते हैं तो कहते हैं बंध कारण शैथिल्यात अर्थात जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, जिसके चित्त के अंदर संस्कार वासनाएं और विकार क्षीण हो गए हैं, अब उसके चित्त के अंदर किसी प्रकार का कोई बंधन शेष नहीं रहा। बंध कारण शैथिल्यात जब आपके बंधन के कारण शिथिल हो जाते हैं तब प्रचार संवेदनाच बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य अर्थात आपके चित्त के अंदर जो शक्ति को प्रसारित करने की क्षमता है वो उपस्थित हो जाती है। क्योंकि जब हमारा चित्त संस्कारों से रहित हो जाता है और हमको अपने चित्त के अंदर शक्ति की अनुभूति हो जाती है तब हमारे चित्त के अंदर कोई भी भाव उदय होता है, कोई भी विचार उदय होता है, हम जगत का कल्याण कुछ भी करना चाहते हैं, किसी का हम कुछ बनाना चाहते हैं, दूसरे के हित के अंदर हम चिंतन करते हैं तो प्रत्येक विचार अथवा भावना के साथ हमारे चित्त की शक्ति आगे एक्सटेंड होती है और जब हमारे चित्त के अंदर किसी शिष्य के प्रति कल्याण का भाव उदय होता है तो उसके साथ भी हमारे चित्त के अंदर की शक्ति आगे एक्सटेंड होती है। अब जिसको अपने चित्त की इस शक्ति का आना और जाना अर्थात आवा और गमन अर्थात हमारे चित्त का प्रचार, चित्त शक्ति का प्रचार और प्रसार जिसको अनुभव होता है वही अपने चित्त की इस चित्त शक्ति को प्रसारित चित्त शक्ति का उपयोग कर सकता है। मेरा कहने का भाव यह है आजकल गुरु बनने की लालसा बहुत लोगों में है, बहुत लोग गुरु कार्य करते हैं किंतु उनका यह गुरु कार्य करना अनधिकृत होता है। अनधिकृत का अर्थ यह है कि जब तक उनकी ऐसी स्थिति नहीं आ जाती कि उनको शक्ति का आना और जाना, आवा और गमन अनुभव में नहीं हो, क्योंकि जब तक उनको शक्ति का प्रसार और प्रचार अनुभव में नहीं आएगा तब तक उनको शक्ति के ऊपर कंट्रोल कैसे होगा? तो शक्ति के ऊपर कंट्रोल के लिए, शक्ति के ऊपर नियंत्रण के लिए शक्ति अनुभव में आनी चाहिए, शक्ति का आना अनुभव में आना चाहिए और शक्ति का वापिस आना भी अनुभव में आना चाहिए। जब इस प्रकार की साधक की स्थिति हो जाती है कि उसको शक्ति का आवागमन भी अनुभव में आता है, जैसे कि शक्ति उसके चित्त में से प्रसारित होकर के यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, अब वो इसको रोक करके यहीं से वापस ले लेता, ऐसी क्षमता साधक के अंदर होनी चाहिए कि वो जब शक्ति को ऐसे बाहर जाता हुआ अनुभव करे और उसको वापस लाना चाहे तो उसको वापस ला सके, और वो शक्ति यदि बाहर नहीं जा रही है तो अपनी शक्ति को वो बाहर भेज सकने की क्षमता रखना होना चाहिए और अपनी शक्ति को साधक के चित्त के अंदर प्रविष्ट करके और उसकी चित्त शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसको योग दर्शन के अंदर कहा गया है बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदना चित्तस्य अर्थात जिसको चित्त के शक्ति का प्रसार और प्रचार अनुभव में आता है और जिसको प्रचार और प्रसार अपने नियंत्रण में होता है
और जिसको प्रचार और प्रसार से वो जो कार्य लेना चाहे वो कार्य ले सकता है। ऐसा जो साधक होता है उसी को मंदकार विषय कल्याण प्रचार संवेदना चित्तस्य उसी को पर शरीरावेशः उसी को दूसरे में दूसरे किसी व्यक्ति में अपनी चित्त शक्ति के आवेश को दूसरे के चित्त के अंदर दूसरे के शरीर के अंदर उस आवेश को उत्पन्न करने की क्षमता आती है। जिसका अर्थ यह है कि जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत होती है हमारे चित्त के अंदर वो संयोग भी आती है हमारी चित्त शक्ति को भी अंतर्मुखी जागृत करती है तब हमें उस शक्ति का आवेश आ जाता है। उस शक्ति के आवेश के अंदर आकर के हम नाचने गाने कूदने लगते हैं हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उसी आवेश के अंदर होती हैं। और वो आवेश कैसे आना आरंभ होता है शक्ति की अंतर्मुखी जागृति होने पर वो आवेश आता है। जब तक अंतर्मुखी जागृत नहीं होती तब तक तो हम पूजा पाठ जप तप कथा कीर्तन पठन पाठन इत्यादि करते रहते हैं कर्तापन की भावना से युक्त होकर के हम विभिन्न प्रकार के साधन करते हैं। किंतु जब हमारी शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है तब शक्ति के अंतर्मुखी जागृत होने पर हमारे चित्त के अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें कुछ करना शेष नहीं रहता। तब तो हमारे अंतर में स्वतः ही अपने आप बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ के शक्ति का आवेश आता है और उस आवेश में हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते चले जाते हैं। अब आप कहोगे कि जब आवेश के अंदर हम शक्ति की क्रियाएं करते हैं तो हम उस आवेश को यदि कभी नहीं चाहते उस आवेश को उतारने का हमारे पास क्या उपाय है। तो मेरा ऐसा कहना है कि वो आवेश आपकी अपने अधीन है वो आवेश आपकी अपनी शक्ति का आवेश है। आप जब चाहें उस आवेश को उतार सकते हैं आप जब चाहें उस अंतर में उदय होने वाली क्रिया को रोक सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं आप अपने कमरे में बैठे हैं साधना कर रहे हैं आपको खूब क्रियाएं हो रही हैं आप खूब आवेश का अनुभव कर रहे हो। उसी समय बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है आपको बाहर बुलाता है आपके ध्यान में आता है कि कोई बाहर दरवाजा खटखट कर रहा है। आप एकदम से उस आवेश को बंद कर देते हो उस क्रिया को बंद कर देते हो बिल्कुल नॉर्मल होकर के आप बाहर दरवाजा खोलते हो बिल्कुल सामान्य नॉर्मल अवस्था के अंदर आप बाहर आ जाते हो। आप उस शक्ति के अधीन नहीं है। ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जब आप आवेश के अधीन होते हो वो बाह्य देवी देवता का आवेश होता है वो बाह्य भूत बाधा इत्यादि का आवेश होता है। किंतु ये जो शक्तिवाद की दीक्षा के पश्चात या आंतरिक शक्ति की जागृति होने के पश्चात आपको जो आवेश उत्पन्न होता है वो आपकी अपनी आत्मिक शक्ति का आवेश होता है वो आपका अपना आवेश होता है। और वो जो आवेश आपके अंदर पैदा होता है वो आवेश आपके कल्याण के लिए होता है आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपके चित्त के अंदर संस्कारों का क्षय करके और आपके चित्त को निर्बल करने के लिए होता है। यदि किसी के अंदर ये आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वो सौभाग्यशाली होता है उससे उसको किसी प्रकार का भय करने की किसी प्रकार से भयभीत होने की किसी प्रकार का संकोच करने की उसको आवश्यकता नहीं की होती। उस आवेश का आरंभ उसके आध्यात्मिक उत्थान का आरंभ होता है। तो मैंने आपको ये इसमें कहा कि बंधकार विषय के लिए प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीरावेशः। अब एक बात मैं और आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ये जो योग दर्शन के अंदर शक्ति का उल्लेख आता है कि नहीं आता है पहले मैंने आपको ये बताया कि योग दर्शन के अंदर जो शक्ति का उल्लेख आता है वो है प्रत्येक चेतना यमा अंतराया भावश्च। प्रत्येक चेतना चेतना प्रत्येक चेतना हो जाती है। अब मैं आप लोगों को एक और सूत्र समझा करके सुना करके और ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि वहां पर भी शक्ति का उल्लेख आता है। योग दर्शन का जो अंतिम सूत्र है पुरुषार्थ शून्याराम गुणाराम प्रतिप्रसरा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा इति शक्ति। फिर सुनाता पुरुषार्थ शून्याराम गुणाराम प्रतिप्रसरा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा इति शक्ति इति। अब यहां पर इस सूत्र का क्या अर्थ है आप कल्पना करो
कि साधना करते करते अर्थात शक्ति को अपने चित्त के अंदर अपने शरीर के अंदर कार्य करने का अवसर प्रदान करते करते वो शक्ति आपके चित्त के संस्कारों को क्षीण करते करते आपके चित्त को शुद्ध कर देगी। शक्ति का चेतना से प्रत्येक चेतना होना का अर्थ यह है कि शक्ति का प्रसव क्रम से पति प्रसव क्रम में आ जाना। जब तक शक्ति प्रसव क्रम में रहती है तब तक जड़ता भी मुखी रहती है, और जब शक्ति पति प्रसव क्रम में आ जाती है अर्थात चेतना प्रत्येक चेतना हो जाती है तो अंतर आत्मा विमुखी प्रवाहित हो जाती है। जब शक्ति आत्मा विमुखी प्रवाहित हो जाती है आपके चित्त के संस्कारों वासनाओं और विकारों को क्रियाओं के रूप में परिणत करके समाप्त करती चली जाती है, क्षीण करती चली जाती है, और प्रति प्रसव क्रम में वो आत्मा की ओर बढ़ती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जब अपने जड़ चित्त के साथ अपना तादात अथवा सहयोग तोड़ देती है और तोड़ करके आत्मा के अंदर विलीन हो जाती है। उस अवस्था का उल्लेख इस सूत्र के अंदर किया गया है। अभी तो आप लोगों को ये सूत्र जो है ये अवस्था प्राप्त करने में बहुत देर लगेगी, किंतु आप लोगों के सामने एक लक्ष्य स्थापित करने के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए इस सूत्र का अर्थ आपको समझ लेना आवश्यक है। तो कहते हैं कि आपकी साधना का लक्ष्य क्या है, पुरुषार्थ शून्य आना, अर्थात आपकी साधना समाप्त हो जाए, आपका पुरुषार्थ समाप्त हो जाए, आपको ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए जिसके अंदर आपको जगत के अंदर भी कुछ नहीं करना पड़े और आपको अध्यात्म के लिए परमार्थ के लिए साधनामय जीवन बिताने के लिए आप जो कुछ भी पूजा पाठ जप तप कथा कीर्तन इत्यादि करते हो वो भी नहीं करना पड़े, और आपकी शक्ति आपके चित्त के अंदर जो कार्य कर रही थी आपके चित्त के संस्कारों वासनाओं को क्रियाओं में परिणत करके उन्हें क्षीण करने का कठिन कार्य कर रही थी शक्ति वो भी कार्य कर चुकती है, अर्थात सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं। एक कल्पना करो, एक ऐसे समय की कल्पना करो जबकि आपको कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता, कोई कर्म करना आपको शेष नहीं रहता, आपके सभी प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं। उस समय का उल्लेख योग दर्शन के अंदर इस प्रकार से किया गया है, पुरुषार्थ शून्य आराम, अर्थात सभी प्रकार का पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। जब तक आप पुरुषार्थ अपना मानते हो तभी तक का भी पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, और जब आप अपना पुरुषार्थ नहीं मानते, आप अपने हथियार भूमि पर रख देते हो और पुरुषार्थ का काम अपने अंदर में जागृत शक्ति के ऊपर डाल देते हो, तब उस शक्ति का पुरुषार्थ भी समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं पुरुषार्थ शून्य आराम गुणाराम प्रति प्रसवाह, और प्रति प्रसव क्रम के अंदर अर्थात आत्मा विमुखी प्रवाहित होने के क्रम के अंदर आप में जो तीनों गुण कार्य कर रहे थे, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों प्रकार के तीनों गुण भी प्रति प्रसव क्रम के अंदर आत्मा में विलीन होने की अवस्था में आ जाते हैं। पुरुषार्थ शून्य आराम गुणाराम प्रति प्रसवाह, जब इस प्रकार से गुण भी विलीन हो जाते हैं आपका पुरुषार्थ भी समाप्त हो जाता है, अब आपको कुछ करना शेष नहीं रहता, आपका पुरुषार्थ करने वाली इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं, आपका संकल्प विकल्प करने वाला मन भी निरुद्ध हो जाता है, आपका विचार करने वाली बुद्धि भी समाप्त हो जाती है या कार्य रहित हो जाती है, आपके अंदर का अहम वो भी बैठ जाता है, निरुद्ध हो जाता है, आपके चित्त के अंदर कोई संस्कार भी न संचय होता है और न उदय ही होता है, अर्थात आपका भौतिक शरीर आपका स्थूल शरीर अथवा आपका सूक्ष्म शरीर दोनों कार्य करना बंद कर देते हैं, उनको कोई काम करना बाकी रहता ही नहीं, और आपके जो तीनों प्रकार के जो गुण हैं वो भी प्रति प्रसव क्रम से जाते हुए विलीन हो जाते हैं, आपका शरीर भी कुछ कार्य नहीं करता, आपका चित्त भी कोई कार्य नहीं करता, पुरुषार्थ शून्य आराम गुणाराम प्रति प्रसवाह, ऐसी अवस्था आपको प्राप्त करना है। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए जब ऐसी अवस्था के अंदर आप जाएंगे तब उस अवस्था का नाम है कैवल्य, अर्थात ये जगत आपके समक्ष पूर्णतया विलीन हो जाएगा,
आपके सामने जगत रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो चित्त इस जगत का ज्ञान प्राप्त करता था वो चित्त निरुद्ध हो जाता है, उसको जगत का ज्ञान रहता ही नहीं, वो जगत का ज्ञान प्राप्त करने वाला यंत्र कार्य करना बंद कर देता है। फिर बाकी क्या रह गया? उस यंत्र के साथ आपने अपनी आत्मा की चैतन्य शक्ति वापस खींच ली है और शक्ति वापस खींच करके अपनी आत्मा के अंदर विलीन कर दी है। बाकी क्या रह गया? केवल मात्र आपका आत्म तत्व, और आत्मा के अंदर स्थापित उस अवस्था का नाम योग दर्शन कहता है कैवल्य अवस्था। जब केवल आप रह जाते हो और ये जगत पूर्णतया आपकी दृष्टि के समक्ष, आपकी इंद्रियों के समक्ष पूर्णतया विलीन हो जाता है। ये इंद्रियां ये भी जगत का अंग है, आपका मन बुद्धि इत्यादि ये भी जगत का अंग है, ये सब विलीन हो जाते। पुरुषार्थ शून्याराम गुणाराम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम, और उसी अवस्था का दूसरा नाम इन्होंने कहा है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा। वा का अर्थ अथवा, अथवा आपकी स्थिति जो है वो स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, अपने आत्मा में अवस्थित हो जाती है, आपको आत्मस्थिति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अब आत्मस्थिति की अवस्था एक अलग बात है, और जगत के अंदर कार्य करते हुए अपने चित्त के अंदर अखंड वृत्ति को बना करके रखना ये एक अलग बात है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले हमें कैवल्य अवस्था प्राप्त करनी होती है, पहले अपने आत्मा के आनंद का हमको अनुभव करना पड़ता है, और बार बार उस आनंद को अनुभव करते करते धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम समाधि में जाते हैं वापस लौट करके आते हैं, फिर समाधि में जाते हैं फिर लौट करके आते हैं, तब हमारा चित्त पुनः उस शक्ति के तादाद में आकर के कार्यशील हो जाता है, फिर हमको जगत का ज्ञान होता है। ऐसी अवस्था होने पर एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हमारा चित्त जगत के साथ संपर्क में आने पर भी किसी प्रकार का प्रभाव ग्रहण नहीं करता है। उस अवस्था को जो कि समाधि के पश्चात हमको प्राप्त होती है, उस अवस्था का नाम होता है जीवन मुक्त अवस्था। तो वेदांत जिस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित करता है, उधर संकेत करता है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने चित्त के अंदर आपको शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, अपनी चेतना प्रत्यक्ष चेतना करनी पड़ेगी, अपने चित्त के संस्कारों और वासनाओं को क्षीण करना पड़ेगा, और फिर जाकर के आपको वो अवस्था प्राप्त होगी जिसका नाम है कैवल्य अवस्था। और कैवल्य अवस्था प्राप्त, बार बार कैवल्य अवस्था प्राप्त करने के उपरांत आपके चित्त की ऐसी स्थिति आएगी कि आपके चित्त के ऊपर जगत का घटनाक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, आपको सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये केवल मात्र बौद्धिक विषय नहीं है, साधना का विषय है। साधना करते करते अपने चित्त को आपको शुद्ध करना है। तो मैं कह रहा था पुरुषार्थ शून्याराम गुणाराम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा, और अंत में आकर के जो एक शब्द जिसके पश्चात कि योग दर्शन समाप्त हो जाता है, अंतिम सूत्र का अंतिम शब्द याद लीजिए उधर, अंतिम शब्द क्या है? चिति शक्ति, अर्थात चिति शक्ति की इति हो जाती है, चिति शक्ति की इति हो जाती है। अब चिति शक्ति की इति का क्या अर्थ? चिति शक्ति की इति तो होती नहीं, चिति शक्ति समाप्त होती नहीं, चिति शक्ति की इति होने का क्या अर्थ है? तो चिति शक्ति की इति होने का अर्थ यह है कि चिति शक्ति का कार्य बंद हो जाता है, कार्य समाप्त हो जाता है। या तो चिति शक्ति को कोई कार्य दिया जाए, जैसे कि आप जगत के अंदर यहाँ जाना आना खाना पीना सोना जागना धन कमाना परिवार की पालना करना इत्यादि विभिन्न प्रकार के कार्य आप चिति शक्ति को देते हैं, और चिति शक्ति उन कार्यों के अंदर लगी रहती है। जब आप साधना करते हो, पूजा पाठ जप तप कथा कीर्तन इत्यादि, इस प्रकार के आप साधना में कार्य अपनी चिति शक्ति को देते हो,